हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फॉर वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा देश दुनिया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे ही जुड़े कुछ आंसर्स। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 9 बनाने में बहुत देर हो गया, मुझे बहुत बहुत बिजी था कुछ वर्क में, तो सॉरी फॉर दैट, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, मेंटल फाउंड इन अर्थ। देखिए, मेंटल आपको बताया था पिछली वीडियो में मेंटल क्या होता है और ये कहाँ पे फाउंड होता है, तो आपको बताना है। इसमें चार ऑप्शन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पॉलीसीथेमिया इज अ डिसीज कॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन। पॉलीसीथेमिया भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस वजह से होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है। बस मैंने थोड़े से इसको चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को पैटर्न को चेंज कर दिया है, आपको यहाँ पे आंसर मार्क पता हो जाएगा। आप एक बार पिछला वीडियो देखेंगे, याद करेंगे तो। और जो तीसरा क्वेश्चन है, हु इज ओपन द ग्रेट सिल्क रोड टू इंडिया। ठीक है, तो ग्रेट सिल्क रोड जो था उसको इंडिया में किसने ओपन किया था। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दो कॉलम में मेंशन किया, क्योंकि बहुत सारे बुक्स हैं, मैंने बहुत सेलेक्टिवली चूज़ किया है इसको, जो भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में या कई बार पूछे गए हैं, तो उन्ही बुक्स को मैंने सेलेक्ट करके, और ऑथर्स और कुछ अदर बुक्स भी हैं जिनके चांसेज पूछे जाने के, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, रॉकट माउंटेन्स जो रॉकट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम बिल्ट बाई। देखिए, महाबलीपुरम में क्या है, वहाँ पे क्या है, पहाड़ों को, चट्टानों को काट काट के टेम्पल बनाए गए हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं आप, तो उसे किसने बनाया था, किसके शासनकाल में बना था। तो याद रखिएगा, पल्लवास ने बनाया था उसे। किसने बनाया था? पल्लवास ने, जो पल्लव राजा थे पल्लव वंश के, उन्होंने इसे बनाया था। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन, विच वन इज फॉलोइंग इज नोन एज हाई क्लाउड। ये बादल के चार से पांच प्रकार होते हैं, मेन जो है चार से पांच प्रकार होते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर वाला जो बादल होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइरस। ठीक है, साइरस बोलते हैं, जो 6 किलोमीटर की जमीन की सतह से, धरती की सतह से ऊपर 6 किलोमीटर ऊपर तक जाना पड़ता है, तो वहाँ तक ये बादल फैले होते हैं, और यही बादल मेन रीजन होता है जिसमें थंडर स्टॉर्म जो भी बादल गरजते हैं और बरसते हैं, वो यही बादल होते हैं। इनकी जो मोटाई होती है जमीन की सतह से लेके ऊपर तक जाते हैं, जमीन की सतह का मतलब ऐसा नहीं कि जमीन की सतह से ही, थोड़े जमीन के ऊपर से एकदम लेके 6 किलोमीटर तक जाते हैं। तो जो सबसे हाई लेवल के क्लाउड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं, वो तो 6 किलोमीटर होते हैं। जो मिडिल लेवल होते हैं वो 3 से 6 किलोमीटर होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में। लो लेवल होता है बिलो 3 किलोमीटर का होता है, और एक चौथा जो होता है मल्टी लेयर होता है, जिसे रेनी क्लाउड्स बोलते हैं। तो जो साइरस होता है वो रेनी क्लाउड्स ही होता है, वो हाई लेवल में भी आता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। आपको राइट साइड में क्लाउड्स के टाइप दिख जाएंगे, और जो काइंड लेफ्ट में भी आपको क्लाउड्स के टाइप दिखेंगे। जो मेन है वो 5 तरह के होते हैं। साइरस होता है जिसका कलर जो व्हाइट कलर का होता है, फेदरी हाईएस्ट होता है। स्ट्रेटस होता है जो व्हाइट ब्लैंकेट की तरह और ग्रे कलर का होता है, और नीचे होता है स्ट्रेटस हमारा यहाँ पे लोअर पार्ट में होता है, जो 2 से 3 किलोमीटर के बीच में होता है, यहीं पर होता है निम्बोस्ट्रेटस, सबसे लोवेस्ट निम्बोस्ट्रेटस होता है, याद रखिएगा, सबसे लोवेस्ट निम्बोस्ट्रेटस और सबसे हाईएस्ट साइरस होता है। इसके बीच से ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये जो मेन टाइप है आपके यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, इस हिस्से को याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। देखिए, पेनिनसुलर मतलब क्या, प्रायद्वीप, जो इंडिया का प्रायद्वीप है। तो आप देख सकते हैं मैप, यहाँ इस हिस्से को देखेंगे जब आप, तो इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है यहाँ से, तो यही हिस्से को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया, ये हिस्सा जो हमारा, तो यहाँ पे जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो सबसे बड़ी रिवर है। अब देखिए, गंगा तो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, जो 2400 किलोमीटर के करीब फ्लो होती है। ओके, तो अब पेनिनसुलर इंडिया में देखिए, गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, याद रखिएगा, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, यही रिवर है सबसे लॉन्गेस्ट, जो कि 1465 किलोमीटर के रेंज में है, 1465 किलोमीटर। और स्टार्ट कहाँ होती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से स्टार्ट होती हैं, और महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ फ्लो होती है, फ्लो छत्तीसगढ़ से फिर तेलंगाना में, तेलंगाना से आंध्रा में जाते हुए राजमुंद्री में समाप्त हो जाती है, राजमुंद्री में डेल्टा बनाती है। अब देखिए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आपका, महाराष्ट्र वेस्ट में है और आंध्रा ईस्ट में है, महाराष्ट्र के वेस्ट से, लेकिन वेस्ट में महाराष्ट्र से ईस्ट में आंध्र प्रदेश तक जाती है, तो इसका मतलब ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और तो डेल्टा बनाती होंगी, तो राजमुंद्री ये जाके बे या बंगाल में मिल जाती है राजमुंद्री, वहाँ पे डेल्टा बनाते हुए, तो कौन सी रिवर है? गोदावरी। अब देखिए, इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने का आसान तरीका है, जी
देखिए तीन रिवर हैं, गोदावरी कृष्णा नर्मदा, ये तीनों मेन रिवर हैं साउथ की। तो जी के एन जनरल नॉलेज, जी से जनरल, के एन से नॉलेज, याद रखिए जी के एन, गोदावरी कृष्णा है नर्मदा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच पेयर ऑफ कंट्री। देखिए ट्रॉपिक जो कैंसर, जो कर्क रेखाएं हैं वो कहाँ से पास होती हैं। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड ईरान एंड इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो देखिए क्या है, कर्क रेखाएं कहाँ के पास होती है, इंडिया और सऊदी अरेबिया से, इंडिया और सऊदी अरब। हमारा ऑप्शन डी है राइट आंसर। अब आते हैं हमारे, ठीक है, ऑप्शंस में और देखते हैं। देखिए जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, मैक्सिको, नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट, नॉर्थ अफ्रीका मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ के जितने भी नॉर्थ में जितने भी स्टेट्स मतलब जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ से पास होती है, फिर आपके सऊदी अरेबिया से, फिर इंडिया से, म्यांमार से, चाइना से पास होती है। और इसका याद रखिए ये भी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होती है। यहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, बस राइट साइड में मैंने जो लिखा है इसको याद कर दीजिएगा। अब इंडिया में कहाँ से पास होती है, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम से पास होती हैं। ठीक है, ये सब याद रखेंगे तो आपको एक ही बार में 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। कभी भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। मान लिया आपको इंडिया और सऊदी अरेबिया नहीं दिया तो उसने बोला म्यांमार से, या फिर सारे ऑप्शन दे दिए तो पूछा किस में से नहीं पास होती है, तो आपको ये बताना है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज आर। देखिए टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज थे पहले तो 10 थे, अभी ये 11 हो गए हैं। पहले 10 थे, अब ये 11 हो गए। मैं बताता हूँ कैसे 11 हो गए। 2002 में जो 86 संविधान संशोधन बिल था उसमें क्या हुआ, इन्होंने 2002 में इसको एक 11वां जो ड्यूटी था फंडामेंटल उसको ऐड किया। उसका मतलब क्या था, उसमें क्या ऐड किया उन्होंने, जो जितने भी पेरेंट्स का गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उस बच्चे को 6 साल से, उसके 6th ईयर से लेकर 14 साल तक एजुकेशन प्रोवाइड करना मस्ट है। ठीक है, तो इनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, प्राथमिकता है उसको, उसको ये एजुकेशन देना ही है, 6 साल से 14 साल तक एजुकेशन देना ही है हर माँ बाप का, या फिर जो भी केयर टेकर हैं, अगर माँ बाप नहीं है तो जो भी केयर टेकर हैं उनका काम है देना। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो है पांडिचेरी, याद रखिए, सॉरी लक्षद्वीप, वो है लक्षद्वीप, जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे, लक्षद्वीप सी है आपके वेस्ट में, जब आप इंडियन पेनिनसुलर का मैप देखेंगे तो उसके वेस्ट में आपको लक्षद्वीप दिखेगा, और 25 आइलैंड का एक समूह है लक्षद्वीप। शिवालिक्स आर सिचुएटेड इन, शिवालिक्स किधर है, देखिए शिवालिक क्या है, हिमालयन रेंज के फुट हिल पे है, मतलब आउटर हिमालयन रेंज है, जिसे छुरिया हिल भी बोलते हैं, छुरिया हिल भी बोलते हैं, नेपाली लैंग्वेज है छुरिया हिल, मोस्टली नेपाल में इसका हिस्सा आता है, तो नेपाली लैंग्वेज में इसको छुरिया हिल्स भी बोलते हैं। मे भी कभी आप आपसे पूछा जा सकता है छुरिया हिल्स, ना कि शिवालिक रेंज बोल के। तो क्या है, आउटर रेंज ऑफ हिमालयन, ठीक है, हिमालयन जो पर्वतमाला है उसके आउटर में जो है ये शिवालिक की रेंज है। और जो इंडस रिवर आपके कश्मीर में, इंडस रिवर से लेके अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैलती है, टोटल 2400 किलोमीटर का ये शिवालिक रेंज है, जो पर्वतमाला है इसकी 2400 किलोमीटर की रेंज है और 10 से 50 किलोमीटर वाइड है बीच बीच में कहीं कहीं पे। विच सॉइल इज फॉर्म बाई डिपोजिशन ऑफ स्लिट, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉड बाई रिवर। देखिए सिल्ट क्या होता है, जो भी कचरा होता है, जैसे नदी में नदी बहती है, कभी बारिश हुआ तो बारिश की वजह से मिट्टी बह के जाती है, नदी में मिल जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कचरा बनता है, ढेर सारा कचरा बनता है, मिट्टी का, रेत का, गाद, जिसे गाद भी बोलते हैं, तो वो जो कचरा रिवर जब नीचे बैठ जाता है, नदी के नीचे तली में बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल बोलते हैं उसको, ऑप्शन सी हमारा। तो एलुवियल सॉइल देखिए क्या होता है, बहुत ही उपजाई होता है, किसके लिए, जो भी आपके ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का, कुछ भी होते हैं, राइस होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही उपजाई होता है वहाँ पे इस एलुवियल सॉइल में।
आपका ये ज्वार बाजरा गेहूं ये सब बहुत होता है। जो गंगा के मैदान, जहाँ जहाँ से गंगा फ्लो होती है जो मैदान है, वहाँ पे मोस्टली एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे गेहूं ज्वार बाजरा ऐसे बहुत पाए जाते हैं। कभी भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जितना भी गंगा के मैदान है वहाँ पे गेहूं ज्वार बाजरा ये सब बहुत पाए जाते हैं। गन्ना भी बहुत होता है, राइस भी होता है। और ऐसे देखिए ब्लैक सॉइल जो होता है कॉटन के लिए होता है, तो जितने भी आपके साउथ इंडिया पार्ट है वहाँ देखिए ब्लैक सॉइल होता है, तो वहाँ पे कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ब्राउन सॉइल होते हैं जो भी आपके साउथ में, जैसे साउथ में और ईस्टर्न में आसाम है, और साउथ में आपके तमिलनाडु के कुछ हिस्से, केरला के कुछ हिस्से, वहाँ पे रेड सॉइल ब्राउन सॉइल पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है टी होता है, चाय की पैदावार ज़्यादा होती है। फिर इसी तरह आपके राइस होती है, राइस जो होता है रेड सॉइल में ज़्यादा पैदा होती है। ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट विच पेयर ऑफ सिटी, देखिए ग्रैंड ट्रंक एक रोड था, एशिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा रोड, मेजर रोड था, एशिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा मेजर रोड था, जो कनेक्ट करता है कोलकाता और अमृतसर को। याद रखिए कोलकाता अमृतसर को कनेक्ट करता है। 333 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के 333 साल पहले मौर्यन एम्पायर में बना था। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कौन से वंश में किसने किस राजाओं ने बनाया था, तो मौर्यन एम्पायर में बना था। तो मौर्यन एम्पायर में मतलब मौर्यन के मौर्य राजाओं ने इसे बनाया था। अब क्या है, एशिया का ओल्डेस्ट है और लॉन्गेस्ट मेजर रोड है, तो ये भी याद रखिएगा, इसको भी घुमा टहला इधर उधर से घुमा के पूछ सकता है। इसी तरह हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हु इज नोन फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोला। देखिए यहाँ सारे जो ऑप्शन हैं वो सब इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट ही हैं, अर्थशास्त्री ही हैं, लेकिन जो एडम स्मिथ थे यूनाइटेड किंगडम के थे, मतलब यूके के, ब्रिटिश के थे, एक ब्रिटिशर थे, उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। 18 सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना हो सकता है ये पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट के थे या फिर कौन से कंट्री के थे। फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड राइट्स, नेगेटिव राइट्स, रिस्ट्रिक्टिव राइट्स एंड ऑल ऑफ अबव। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो सारे जो ABC ऑप्शन है ऑलमोस्ट सेम है, लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टिव दोनों एक ही होता है। नेगेटिव जब लिमिट कर दिया तो एक तरह से नेगेटिव प्रॉपर्टी होगी, तो इस कुछ तरह कुछ ऐसी तरह से आपको ऑप्शंस को जज करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऑल अबव, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो लिमिटेड राइट्स होते हैं, नेगेटिव राइट्स होते हैं और रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, वो हमें काम करने से रोकते हैं, ऐसा नहीं कि हम मनमानी दे दिए ठीक है और हम कुछ भी करते रहें। तो हमारा ऑप्शन है ऑल अबव। आज का जो अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन बॉडी एज, देखिए कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर स्टोर होता है, वो किस रूप में स्टोर होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है। द एनिमल विच यूजेस साउंड एज आई फॉर डायरेक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट, ऐसा कौन सा जानवर है जो साउंड को एज ए अपनी आँख की तरह यूज करता है डायरेक्शंस को देखने के लिए या फिर मूव करने के लिए। तो ऐसा है देखिए, क्या तो चमगादड़ होता है, यहाँ पे बैट, बैट मतलब चमगादड़, वो साउंड को यूज करता है। कभी आपने नोटिस किया होगा रात के अंधेरे में चमगादड़ नाचते हुए भागते हुए आता है आपके पास, और उसमें क्या होता है अचानक से मुड़ के चला जाता है, तो वो उसका वही होता है, साउंड वेव्स उसके पंख से निकलते हैं, वो साउंड वेव को मेजर करता है, समझ लीजिए कि उससे ही सेंस करता है कि कहाँ पे हमको रुक जाना, कहाँ से सामने दीवार या कुछ आ गया है। नॉट ओनली दीवार की बात कर रहे हैं, कुछ और भी, जैसे कोई पर्सन आ गया, कुछ पेड़ आ गया, तो वो फट से वहां से मुड़ जाता है, तो वो साउंड वेव को यूज करता है, तो बैट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन, देखिए इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर कर सकता है, वो है लाइचन। लाइचन क्या है, एल्गी से बनता है, फंगी, एल्गी फंगी सब एक ही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक ही जगह से निकलते हैं बट अलग अलग स्टेजेस में उसके नाम दिए गए हैं, तो लाइचन भी ऐसे ही फंगी से बनता है ठीक है। तो लाइचन क्या करता है, मॉनिटर करता है एयर पॉल्यूशन को, याद रखिएगा इसको। विच टाइप ऑफ वेव्स एक्सरेज आर, एक्सरे कौन किस प्रकार की वेव्स हैं, तो देखिए एक्सरेज क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में बोलते हैं लंबवत रेखाएं बोलते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा शुद्ध हिंदी हो जाता है, जो कुछ भी मुझे पता होता है मैं बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ भाई लोग हिंदी में भी होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा हिंदी में किया होता है, तो थोड़ा आसान होता है। कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि भाई जो हिंदी में पढ़ाई किया उसके लिए, कभी कभी हमको याद नहीं रहता है तो ऑप्शंस, लेकिन हम दो ऑप्शन बोल दें लंबवत रेखाएं, तो जैसे कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता है, तो आप उधर से भी देख लिया करिए, हिंदी में भी देख लिया करिए, कभी कभी ऑप्शंस आपको वहाँ मिल जाते हैं, माइंड में क्लिक कर जाता है, हाँ सर ने ऐसा बताया था, आपने कहीं ऐसा पढ़ा था। तो एक्सरेज क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा इज,
सुपरनोवा क्या है? देखिए कॉमेट मतलब धूमकेतु बोलते हैं, डाइंग स्टार मतलब मरता हुआ जो भी तारा, एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह बोलते हैं जिसको ब्लैक होल होता है। तो क्या होता है कॉमेट? कॉमेट एक तरह से डाइंग स्टार होता है, याद रखिएगा, कॉमेट डाइंग स्टार होता है। एक बार बहुत तेजी से जलता है, जलने का मतलब उसके अंदर बहुत एनर्जी रिलीज होती है, फिर उसमें से प्रकाश आता है, रोशनी आती है, लाइट आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बुझने लगता है, उसकी लाइट लाइट कम होने लगती है, उसी को बोलते हैं डाइंग स्टार। सुपरनोवा क्या होता है? डाइंग स्टार होता है। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ऑफ अफ्रीका आर कॉल्ड एज, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ऑफ अफ्रीका मतलब जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जो अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें जो सवानास बोला जाता है, उन्हें सवानास बोला जाता है। याद रखिएगा हिंदी भाई लोग उष्ण कटिबंध से बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से परिचित होते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के लोगों को बहुत पढ़ाया जाता है उष्ण कटिबंधीय, तो वही होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ऑफ अफ्रीका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उसको नाम दिया गया सवानास। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिवर क्रॉसेस द इक्वेटोर ट्वाइस। इक्वेटोर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो अर्थ का जो भूमध्य रेखा है उसको दो बार, ऐसी कौन सी नदी जो दो बार क्रॉस करती है? वो है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर दो बार उसको क्रॉस करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग कैनाल इज, दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग कैनाल जहाँ से शिप पास पास करती हैं, वो कौन सा कैनाल है? वो है सुएज कैनाल। ये कहाँ पे है? ये है इजिप्ट में। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनाल जो है सुएज कैनाल है, वो इजिप्ट में जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को ज्वाइन करता है। याद देखिए यहाँ पे आपको तीन से चार ऑप्शन मिल जाएंगे। सुएज कैनाल कहाँ पे है? इजिप्ट में है। सुएज कैनाल किसको ज्वाइन करता है? रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और सुएज कैनाल को किसने बनाया था? देखिए 18वीं 19वीं शताब्दी में बना था, मतलब कि 1800 कुछ में बना था, तो उसको 19वीं शताब्दी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 1900 कुछ है तो उसको 19, उसको 20वीं शताब्दी बोलेंगे। तो 1800 कुछ ईयर में बना था, याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी, तो इसको बोलते हैं 19वीं शताब्दी में सुएज नाम की कंपनी ने बनाया था, इसे सुएज कैनाल दिया नाम दिया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं? देखिए 11 मई को, कुछ ही दिन पहले 11 मई, 5 से 6 दिन पहले 11 मई पास हुआ है, तो याद रखिएगा 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। द गेम चेंजर बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, गेम चेंजर एक बुक है, वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यह शाहिद आफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत चर्चा में ये बुक, मे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट क्लाइमेट इमरजेंसी। दोस्तों क्लाइमेट इमरजेंसी पे एक पैक्ट बनाया गया जिस पे यूनाइटेड स्टेट सॉरी यूनाइटेड किंगडम ने पहले साइन किया है, उसने सबसे पहले इसको साइन किया। साइन किया मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया अपने कंट्रीज में, जो इसका टारगेट है क्लाइमेट इमरजेंसी का 80% कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है बाई 2050। याद रखिए 2050 मतलब 2050 तक 80% कार्बन जो एमिट होता है आपके हवा में या फिर अर्थ में रिलीज करते हैं, जो इससे पॉल्यूशन जो होता है, तो उसको कम करना है, 80% कम करना 2050 तक। ये एक पैक्ट बनाया गया, इस पे सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम ने साइन किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। लार्जेस्ट शुगर केन ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा गन्ना पैदावार करता है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदावार होती है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की शुगर मिल है, चीनी की मिलें हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स इन रिवर बेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ, देखिए जब नदी फ्लो होती है तो नीचे से मिट्टी निकलने लगती है, ज्वालू निकलते हैं, इसकी वजह से पॉट होल्स बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं। वो किस वजह से होता है? इरोशन की वजह से होता है, इरोजन की वजह से होता है, इरोजन की वजह से जो पॉटहोल्स बनते हैं रिवर में। द मोल्टेन रॉक बिलो अर्थ इज नोन एज, जो भी मोल्टेन रॉक होते हैं वो धरती के नीचे जो, उसको किस रूप से जाना जाता है? उसको बोला जाता है मैग्मा, बोला जाता है मैग्मा जो होता है एक तरह से आपके मोल्टेन रॉक्स होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, जो भी हमारे पत्थर होते हैं वो भी पिघल जाते हैं, उसी को बोलते हैं मैग्मा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आज का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस चूज किए थे, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको कम टाइम है, टाइम की कम होने की वजह से आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करना है,
एक्सप्लेनेशन ना देके मैं जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ चीज़ों को, बाकी एक बार एग्ज़ाम आपके जैसे भेल के और आरआरबी के एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाएंगे तो फिर से मैं स्टार्ट करूँगा बहुत ही डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए मैं उसको डिस्कस करूँगा। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमारे व्यूज़ बढ़े और हमको ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे वीडियोज़ को बनाने के लिए। हम बहुत ही मेहनत करते हैं कि अच्छे कंटेंट आपके पास आए, तो कोशिश जारी रहेगी हमेशा, आप ऐसे ही हमारा अपना प्यार बनाए रहें हमारे ऊपर। तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे जो भी वीडियोस बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।